बाहुबली मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से यूपी में लाने के लिए पंजाब रवाना हुई यूपी पुलिस। यूपी पुलिस की टीम बांदा से पंजाब के लिए रवाना हो गई है। रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को बांदा लाया जाएगा। पुलिस की टीम एम्बुलेंस और वज्रवाहन सहित करीब 20 गाड़ियों के काफिले के साथ रवाना हुई है। आपको बता दें कि एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश को मुख्तार अंसारी को पंजाब से बांदा जेल लाने की जिम्मेदारी दी गई है। एडीजी जोन प्रेम प्रकाश पंजाब पुलिस और आईजी चित्रकूट की टीमों के संग रहेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि वो मुख्तार अंसारी को रात तक बांदा जेल लेकर पहुंचेंगे। चित्रकूट के महानिरीक्षक के सत्यनारायण ने कहा कि पंजाब के रोपड़ पहुंचने के बाद टीम मुख्तार अंसारी को हिरासत में लेगी और उसे वापस लाने के लिए कागजी औपचारिकताएं पूरी करेगी। उसे यूपी तक सुरक्षित वापस लाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट माय भारत। मुख्तार अंसारी जी वर्तमान में पंजाब जेल में निरुद्ध है तथा पिछले कई माह से उत्तर प्रदेश में विभिन्न तिथियों पर जो न्यायिक प्रक्रिया है आने से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता रहा है, परंतु यूपी सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रबल पैरवी कर मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने का आदेश प्राप्त किया गया है। उपरोक्त अपराधी को उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में रूल्स फॉर गार्ड्स एंड स्कॉट्स 1970 के प्राविधानों के तहत स्थापित प्रोटोकॉल के अनुरूप पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था में उत्तर प्रदेश लाया जाएगा तथा यहां जेल में निरुद्ध किया जाएगा। यहां बताना उपयुक्त होगा कि मुख्तार अंसारी जनपद गाजीपुर के थाना मोहम्मदाबाद का मजारिया हिस्ट्री शीटर 16B है तथा इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बाहर विभिन्न राज्यों में लगभग 52 मुकदमे कायम हैं। हाल ही में जनपद बाराबंकी में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 369/21 में भी मुख्तार अंसारी का नाम आया है। मुख्तार अंसारी के द्वारा पूर्व में पूर्वांचल में कई जघन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है तथा पुलिस कर्मियों की भी हत्या की गई है।